अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं ए बी टेक रिकॉर्ड्स। दोस्तों, आप भी टर्मिनेटर जैसी फ़ोटो बना सकते हैं। दोस्तों, अभी आप ये मेरी तस्वीर देख रहे हैं, मैंने ये किस तरह क्रिएट की है, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा होगा तो उसको बिलाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, फोटोशॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं इस तस्वीर को किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, टर्मिनेटर जैसी वीडियो किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप खोल लेते हैं और इसके अंदर अपनी पिक्चर जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर के इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बिना बैकग्राउंड वाली पिक्चर के इस्तेमाल किया। इसका बैकग्राउंड मैंने हटा दिया, वाइट था इरेजर की मदद से। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी एडजस्टमेंट कर लूँगा मैं और ये हमारी फ़ोटो रेडी होगी। इसके ऊपर हम टर्मिनेटर की पिक्चर लगाएंगे। सबसे पहले जो आइस का कलर है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, ये आइस वाली पिक्चर, या फिर आप इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब इसका भी बैकग्राउंड जो है वो मैं इरेजर की मदद से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर आपको मैजिक इरेजर मिलेगी तीसरे नंबर पे। तो इसका भी मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, वाइट कलर में था। अब इसको मैं कंट्रोल टी की मदद से जो है वो छोटा करूँगा, इसका साइज कंट्रोल टी दबाया, इसको मैं साइज छोटा करूँगा और अपनी आइस बॉल के जो ऊपर है उधर रखूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह नहीं बैठा, तो इस जो है ऑप्शन का मैं यूज़ करूँगा और इसको जहाँ पर भी मैं खींचूँ वो यहाँ पर मैं खींच सकता हूँ। सो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। सो यहाँ दोस्तों मैं इसको मास्क करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मास्क इसको इन्वर्ट किया है, ठीक है। आप ऑल्ट प्रेस करें और इसको मास्क करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, फिर ये मास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर ब्लैक कलर में यहाँ पे आ रहा है तो आप वाइट कलर से पेंट करेंगे, ठीक है। अगर वाइट कलर में आ रहा है तो आप ब्लैक कलर से पेंट करेंगे। और यहाँ पर मैं वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मैं वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ ब्रश टूल की मदद से, वहाँ वहाँ पर हमारी आइस बॉल जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टर्मिनेटर की जो है फोटो वो ले आया हूँ। अब यहाँ पर इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल टी दबाकर इसकी भी एडजस्टमेंट कर लूँगा जहाँ पर मैंने इसको रखना है। मेक श्योर आप अपने फेस के ऊपर इसको रखें। यहाँ पर जो टर्मिनेटर का फेस है वो आपके फेस के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठे। सो यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी जो है वो 50% पे रख लें और इसको मैच करें दोनों फोटो को। दोस्तों अगर मैच ना करें तो ऊपर वाले दिए गए ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको एडजस्ट करें खींच के। दोस्तों देखने में ये लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा बना के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर भी इसको मैं मास्क कर लूँगा, लेकिन मास्क मैं करूँगा इन्वर्ट। जब मैं ऑल्ट प्रेस करके उस बटन को दबाऊँगा यहाँ पर, तो ये मास्क जो है वो इन्वर्ट होगा।
यानी कि अगर वाइट कलर वहाँ पे आ रहा है इसकी लेयर के ऊपर, वो ब्लैक कलर में आएगा। तो जहाँ पर हम वाइट कलर से पेंट करेंगे वहाँ पर हमारी फ़ोटो जो है वो नज़र आएगी, जहाँ पर हम ब्लैक कलर से पेंट करेंगे वहाँ पर हमारी जो फ़ोटो है वो गायब होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम देखें, मैं वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ तो वहाँ वहाँ पर हमारी फ़ोटो जो है वो नज़र आ रही है, ये देखें कुछ इस तरह। अब यहाँ पर जो है वो मैं बैकग्राउंड लगाने लगा हूँ। बैकग्राउंड आप ग्रे कलर या ब्लैक कलर का यूज़ कीजिएगा। सिंपली मैं इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड जो है वो पहले चेंज किया था, वाइट कलर में था, मैंने उसको इरेज किया था। तो यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा मैं कट कर लूँगा ताकि ये जो वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है हमें ये ना नज़र आए। अब मेन लेयर पे क्लिक करके इसको इरेजर की मदद से थोड़ा थोड़ा इरेज कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फ़िल्टर के अंदर जाऊँगा और कैमरा और फ़िल्टर का इस्तेमाल करूँगा कलर ग्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी पिक्चर के मुताबिक जो है वो कलर ग्रेडिंग करें। अगर कलर ग्रेडिंग का आपने पहला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक आ रहा होगा, और यहाँ पर आई बटन पे भी क्लिक करें, वहाँ पर भी लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड का मैंने इस्तेमाल किया था, तो मैं अपनी जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा ताकि बैकग्राउंड के साथ इसको मैं मिला सकूँ। यहाँ पर इसको मैं मर्ज कर लूँगा। मर्ज करने के बाद फिर मैं कैमरा और फिल्टर के अंदर जाऊंगा और फिर इसको एडिट करूंगा। तो यहाँ पर ये वाला इफेक्ट मैंने लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इससे हमारी जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेक श्योर ये वाला स्टेप आप ना ही कीजिएगा, ज़ीरो पे रखें इसको। तो दोस्तों यहाँ पर साइड पर टर्मिनेटर लिखने के लिए, ये मैं टर्मिनेटर आपको जेनेसिस लिखा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं सबसे पहले क्रॉप करूँगा। दोस्तों क्रॉप करने के बाद जो है इसको मैं अपनी पिक्चर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। दोस्तों ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो वही काम हमने जो पहले किया था,
हम इरेजर टूल के साथ ये जो ब्लैक कलर है हम इसको रिमूव करेंगे। देखिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, यहाँ पर आप कंट्रोल टी करके फिर इसको जो है वो आप एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अवर फाइनल पिक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन आ रहा होगा तो उसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।